Jain and good morning to all of you. Today we will start the topic that Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Okay, Gay-Lussac's law means it is this law is given by Gay-Lussac, that is scientist name. When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume.

रिएक्शन से आप ऑलरेडी अवेयर हैं आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी आप पढ़ते हैं कि वाटर डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में और यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कम्बाइन होकर वाटर फॉर्म करता है सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस देन यू कैन वॉच एट स्क्रीन देर इज एग्जाम्पल दैट एच टू प्लस एच टू प्लस ओ टू एच टू ओ मीन्स देर आर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम्बाइन एंड गिवस एच टू ओ ओके सो फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी हैव टू राइट टू एच टू प्लस ओ टू ओ टू मीन्स ओनली वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज देयर एंड फॉर वाटर देयर आर टू मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर सो इट इज कंफ्यूजिंग समटाइम्स फॉर यू दैट इफ यू विल थिंक कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है यहाँ पर तो ये तीन वॉल्यूम बनना चाहिए ठीक है ऐसे आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है कभी कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है तो ऐसा जब होता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सो इट इज़ रिटर्न दैट टू वॉल्यूम एंड वन वॉल्यूम कम्बाइन होने के बाद कितना बन रहा है टू वॉल्यूम ओके ऐसा क्यों होता है क्योंकि उन दोनों गैसेस के अंदर एक कंबाइन होने के बाद एक नई चीज़ बन रही है ओके और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल बन जाता है मॉलिक्यूल बनने से क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उसमें कितने बॉन्ड्स बने सो so, उसका वॉल्यूम वेरी कर सकता है सो so, आपको ये एडिशन रिएक्शन की तरह नहीं सोचना है कि यहाँ जो भी चीज़ें ऐड होंगी तो हम उसका सम करके देखेंगे कि टू वॉल्यूम वन वॉल्यूम कंबाइन हुआ तो थ्री बनना चाहिए टू वॉल्यूम फाइव वॉल्यूम कंबाइन हुआ तो सेवन होना चाहिए ऐसा नहीं होता क्योंकि वो आपस में रिएक्टिव हैं अगर रिएक्ट करने के बाद न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर उसका नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर सकते हैं ओके सो व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम यानी ये रेशियो में होते हैं फिक्स होते हैं कि ये कितने कंबाइन होने हैं इसी को हम पढ़ चुके हैं पहले ही बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में कि उससे आप इसको बैलेंस करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल यूज हुए और कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए प्रोडक्ट में ओके सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो इज टू इज टू तो यहाँ पर टू वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हाइड्रोजन के टू मोल्स और ऑक्सीजन के वन मोल कंबाइन हुए सो दिस रेशियो इज टू इज टू वन इज इट क्लियर टू एवरी वन ओके एवोगाड्रोज लॉ नेक्स्ट इज एवोगाड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओके एवोगाड्रो okay? नाम आता है तो एवोगाड्रो नाम है साइंटिस्ट का और आपने पहले भी एवोगाड्रो नाम सुना हुआ है मोल जब आपने पढ़ा था ओके okay? मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा कि किसी भी चीज के वन मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट होते हैं दैट इज एवोगadro कांस्टेंट उसे बोलते हैं क्या वैल्यू थी वो एवोगadro कांस्टेंट याद होगा आपको 6.022 10 टू पावर 23 एटम मॉलिक्यूल और आयंस यानी जिस भी चीज को आप कंसीडर करेंगे एटम्स को मॉलिक्यूल को या आयन को उसमें उतने ही नंबर्स प्रेजेंट होते हैं ये कांस्टेंट है ओके okay? मोल में आपने पढ़ा था

तो फिक्स अमाउंट गैसेस में दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जैसे आप निकालते हैं नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे ओके एवोगाड्रो मेड अ डिस्टिंग बिटवीन डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है क्योंकि जब यहाँ एटम्स कंबाइन होते हैं तो डाएटामिक भी फॉर्म करते हैं पॉलीएटॉमिक भी फॉर्म करते हैं सो कॉन्सेप्ट ऑफ एंड पॉलीएटॉमिक वाज आल्सो एक्सप्लेन बाय एवोग्रो एवोग्रो ने जब अपने लॉ में इस चीज़ को इंक्लूड किया तो वहाँ पर आपको मैंने भी बताया कि वन मोल में जो एवोग्रो कॉन्स्टेंट है उतने ही एटम मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट होते हैं और वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो यानी कि वो हमेशा सेम रहेंगे जैसे आपको कहा जाए कि वन मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और वन मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन होंगे सपोज ओके वन मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन होंगे जब आप पहले मॉलिक्यूल निकालोगे फिर आप उससे नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं सो एग्जाम्पल इज एच टू ओ टू एंड टू एच टू ओ सी ओ टू एंड सी सिक्स एस्ट्रेल ओ सिक्स ये एग्जाम्पल्स हैं आपको समझने के लिए कि यहाँ हमने कहा डायटामिक एंड पॉलीटॉमिक तो डायटोमिक कौन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाटर वाटर इज ट्राइटोमिक सीओ टू इज ग्लूकोज का फॉर्मूला है इसमें कई सारे एटम्स हैं, तो हम इसे पॉलिओटो बोल देते हैं ओके okay? तो दो या दो से ज्यादा नंबर्स अगर आ जाते हैं एटम्स के कंबाइन होने में तो हम उसे पॉलिओटोमिक बोल सकते हैं ओके okay? और जब बहुत सारे हो जाते हैं तो कई टाइप के होते हैं तो हम उसे कंपाउंड बोलते हैं ओके मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और ये कब दी गई थी थियरी बाई डॉल्टन नाम से पता है आपको ये भी ये सारे थियोरीज में नाम पहले याद जाता है तो आपको साइंटिस्ट का नाम वैसे याद हो जाएगा ओके okay? अलग से यादरख करने की जरूरत नहीं है डॉल्टन सेटॉमिक थियरी इज गिवन इन एटीन हंड्रेड एट मैटर कंसिस्ट ऑफ इन डिविजिबल एटम्स इट्स सो सिंपल आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था तो अब वही चीज़ रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए लाइन बाय लाइन मैं आपको बस बोल देता हूँ आपको याद आ जाएगा मैटर कंसिस्ट इन डिविजिबल एटम यानी एटम से ये बने होते हैं मैटर्स ठीक है इन्होंने बताया था और फिर कहा था कि ये एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ के स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके बाद हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ओके okay? उसी से वो हो के मैटर बनाते हैं बट आपको पता है कि बाद में आपको ये भी पता चला कि एटम को भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बट उस लेवल पे जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी तब एटम को ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया था नेक्स्ट इज ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एंड डिफर विद अनदर एलिमेंट देखिए एक ही एलिमेंट के यानी सेम एलिमेंट के सारे एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन है अगर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के अगर एटम्स हैं हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम ऐसे जो होंगे होंगे वो सब आइडेंटिकल होते हैं यानी एक जैसे वो हो, सेम होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता एंड डिफर विद अनदर एलिमेंट और जब कोई और चीज़ आ जाएगी यानी फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है तो उसमें नंबर ऑफ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वैरी करते हैं इस वजह से उसे कहा गया कि वो आइडेंटिकल नहीं होते यानी तो होगा लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से डिफर है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन रेशियो जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स रेशियो में ही हमेशा कंबाइन होते हैं जैसे आप एग्जांपल जानते हैं एच टू प्लस एच टू ओ तो एच टू ओ का कंबाइन होना आप पढ़ चुके हैं एच टू ओ का कंबाइन होने का रेशियो क्या है फॉर एच टू ओ देर आर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन का मास क्या होगा सिक्सटीन और हाइड्रोजन का मास क्या होता है वन सो दो हाइड्रोजन का मास होगा टू और ऑक्सीजन का मास हो गया सिक्सटीन और इसको हम सिंपलेस्ट वे में लिखते हैं तो वन इज टू एट सिंपलेस्ट रेशियो में ओके okay. तो ये वन इज टू एट रेशियो जो है वो फिक्स रेशियो है इसी को बोलते हैं फिक्स रेशियो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होते हैं तो वो वन इज टू एट रेशियो में कंबाइन होते हैं फॉर फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपने डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में पढ़ा हुआ है ठीक है नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पहले फिर प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए तो ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने पर उनमें रीअरेंजमेंट हो जाता है यानी कि वो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो एक दूसरे से चेंज हो जाता है फिर से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता जैसे H2 hydrogen, hydrogen है जैसे एच टू में हाइड्रोजन हाइड्रोजन कम्बाइन है ओ टू में ओक्सीजन ऑक्सीजन कम्बाइन है और फिर वाटर बनने के बाद एच टू ओक्सी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से कम्बाइन हो जाता है यानी कि उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाती है सो इट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एटम्स आपस में बॉन्ड ब्रेक होता है एच टू और ओ टू का और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज केमिकल रिएक्शन और इसी में देखिए इन्होंने प्रूव किया कि नाइदर इट नाइदर क्रिएटेड नॉ डिस्ट्रॉयड यानी मास के बारे में आप ये जानते हैं कि मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ओके बट रीज़न फॉर कॉम्बिनेशन वॉज नॉट एक्सप्लेन बाई डाल्टन एटॉमिक थियोरी यानी डाल्टन ने ये तो बताया कि केमिकल रिएक्शन में वही एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं लेकिन उनके कंबाइन होने का रीज़न उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो पहले कंबाइन थे और अब क्यों कंबाइन हो रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है उनकी स्टेबिलिटी ठीक है ये सब चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ओके नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल ओके सब लोग जानते हैं एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास निकालना कैसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास कार्बन का ट्वेल्व होता है ये मैंने एग्जाम्पल दिया है और आपको जनरली पता है सबको और अगर आपको अभी भी कुछ के याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न होगा या उन्हें सिर्फ दो ही तीन के याद हैं तो आप प्लीज़ आप ट्वेंटी या ट्वेंटी अबव आपको याद होना चाहिए मिनिमम ओके मिनिमम ट्वेंटी याद होना चाहिए कार्बन ट्वेल्व हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन सिक्सटीन एंड क्लोरीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव जो कॉमनली यूज होते हैं जैसे सल्फर नाइट्रोजन इनके आपको इसके अलावा याद रखना है सबका एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी एटॉमिक मास के बारे में और आप क्या जानते हैं कार्बन की जब हम बात करते हैं कार्बन का मास ट्वेल्व है और हाइड्रोजन का मास वन होता है ये कैसे कैलकुलेट किया गया इसके लिए सबसे पहले जो रेफरेंस के लिए आप लेते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही रेफरेंस ले सकते हैं और कार्बन को हमने सबसे ज्यादा एबंडेंस थी यानी सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन चारों पाया जाता था हर मटेरियल में तो कार्बन का इन्होंने रेफरेंस लिया कि कार्बन में अगर ट्वेल्व मास होता है तो अगर हम उसका वन ट्वेल्थ पार्ट लें तो वो एक यूनिट ऐसी हो सकती है जिससे हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं जैसे कि आप किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लिक्विड है तो हमें एक कॉमन यूनिट पता है लीटर या एम में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत होती है तो मास को कैलकुलेट करने के लिए किया गया कि कार्बन का मास 12 होता है अगर तो उसका हम वन ट्वेल्थ पार्ट लें ठीक है स्मॉलेस्ट यूनिट उसे माना गया कि अगर 12 है एक कार्बन का मास तो हम वन ट्वेल्थ पार्ट अगर लेते हैं तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वन ट्वेल्थ पार्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे रेफरेंस ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे यानी ऑक्सीजन में कितना होता है सिक्सटीन हाइड्रोजन का मास है वन नाइट्रोजन का फोर्टीन ओके एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का एक एग्जांपल है जो आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा कि एवरेज एटॉमिक मास हम लेते हैं क्लोरीन का देखिए ये सबसे यूनिक है क्योंकि आप जानते हैं जनरली एटॉमिक मास होता क्या है एटॉमिक मास का मतलब है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करके आप जो देखते हैं वो क्या है एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो बट एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक मास मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है तो जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ऐड करेंगे तो इट शुड बी होल नंबर होना चाहिए वो पॉइंट में या डेसिमल में ठीक है या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए बट क्लोरीन का मास हम लेते हैं थर्टी फाइव पॉइंट फाइव सो ये शॉकिंग है आपके लिए अगर आपको नहीं पता है रीज़न कि ये ऐसा कैसे होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हाफ़ तो होता नहीं है वो हमेशा यूनिट में होता है ठीक है टेन होगा फ़ाइव होगा थ्री होगा सेवन होगा फिफ्टीन होगा वो पॉइंट में नहीं हो सकता तो यहाँ क्लोरीन का मास कैसे थर्टी फाइव पॉइंट फाइव आया मे बी कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता हो सो मैं आपको बता देता हूँ आपको रिवाइज करना है ये भी ठीक है और आप कॉपी में लिख सकते हैं कि क्लोरीन में दो आइसो टोप्स पाए जाते हैं थर्टी फाइव एंड थर्टी सेवन मास क्लोरीन का थर्टी फाइव भी होता है और थर्टी सेवन भी होता है जिनका मास सेम हो उसे क्या बोलते हैं आइसो बार लेकिन इनका मास डिफरेंट है इसे हम बोलेंगे आइसो ओके यानी एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है सो क्लोरीन थर्टी फाइव वाले आइसोटोप का परसेंट क्या है नेचर में नेचुरल अबंडेंस क्या है यानी इसकी नेचर में पाया जाता है कितने परसेंट में सेवेंटी फाइव और क्लोरीन थर्टी सेवन जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो इन दोनों को ही हम कंसीडर करते हैं क्योंकि जब भी नेचर में आप एक एवरेज लेते हैं क्योंकि आपको दोनों को अलग अलग कंसीडर करना टफ हो जाता है तो आप मानते हैं कि हम इसे एक को निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं अगर वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो इस वजह से हम उसे निग्लेक्ट ना करते हुए दोनों को ही कैलकुलेट करते हैं उनका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं और वही कंसीडर करते हैं कि हर जगह इन्वामेंट में क्या है मिक्स हैं तो इस वजह से उसका एक एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है दैट इज़ थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ओके इसका फार्मूला क्या होता है परसेंटेज इनटू मास प्लस परसेंटेज इंटू मास यानी सेवेंटी फाइव इंटू प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव ये आपको कॉपी में लिखना है ठीक है इस वीडियो को आप रिपीट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसे कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेट करने के बाद अगर आंसर आपका मैच करता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव से तो ओके अदरवाइज़ आपको रिपीट करके फिर से जो मैंने बोला वो सुनिएगा और उसे लिखिएगा वैसे ही ओके दैट इज़ एवरेज एवरेज निकालना आपको पहले भी आता होगा कि, कि किसी भी चीज़ को एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं जितना सम होता है उस सम को टोटल से डिवाइड करते हैं ठीक है मोलिकुलर मास मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है उसके एटम्स का मास कितने टाइम्स लिया गया है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेल्व इंटू सिक्स कार्बन के लिए प्लस ट्वेल्व इंटू वन हाइड्रोजन के लिए सिक्सटीन इंटू सिक्स फॉर ऑक्सीजन ओके सो यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू वी एट दीज नंबर्स ओके ये आपको खुद करना है जो मैंने ऊपर बताया एवरेज एटोमिक मास निकालने के लिए क्लोरिन का वो भी आपको कैलकुलेट करना है कॉपी में यही आपका असाइनमेंट और होमवर्क रहता है जो भी चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए नेक्स्ट इज फॉर्मूला मास और हम मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास को किस में मेजर करते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होगा पहले यूज़ किया जाता था ए एम यू दैट वॉज एटॉमिक मास यूनिट अब हम सिर्फ लिखते हैं यू यू मीन्स यूनिफाइड मास ओके फॉर एग्जांपल कार्बन का ट्वेल्व है तो हम लिखेंगे ट्वेल्व यू अब यहाँ पर आपका जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यू और लिखेंगे यू दैट इज़ यूनिफाइड मास ये यूनिट होती है ठीक है मास की फॉर्मूला मास क्या है फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला मास का मतलब है जैसे सॉलिड है एन ए सी एल एक एग्जाम्पल है एन ए सी एल आप जानते हैं कॉमन सॉल्ट होता है नमक जो आप खाने में यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे सोडियम आयन और क्लोरी क्लोराइड आयन यानी एन ए सी एल में आप बात करेंगे एन ए प्लस एंड सी एल माइनस तो ऐसे कई सारे एन ए और सी एल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं एन ए के पास क्या होगा सी एल इधर क्या होगा सी एल ऊपर क्या होगा सी एल सी एल के पास इधर क्या होगा एन प्लस तो ऐसे बहुत सारे एन प्लस और सी एल माइनस प्रजेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ेंगे सॉलिड का अगर तो वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं क्यूबिकल फॉर्म में ठीक है एक के एक के सराउंडिंग में चारों ओर सोडियम के सराउंडिंग में चारों ओर कितने होंगे सी ठीक है तो ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि एक सोडियम के साथ कई सारे सी क्लोराइड आयन अटैच हैं तो हम उसे कितना कैलकुलेट करें उसके फार्मूला फॉर्मूला क्या माने हम कि सोडियम क्लोराइड का क्या होगा तो इस वजह से उसकी यूनिट ली गई कि एक सोडियम और एक क्लोरीन यानी एडजेसेंट पे होते हैं ठीक है यानी आप जैसे सैंपल लेते हैं किसी चीज़ का कि ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं जैसे आप कपड़े का सैंपल फॉर एग्जांपल समझने के लिए क्या करते हैं जब आप टेलर के यहाँ दे के आते हैं तो वो क्या करता है छोटा सा एक कट देता है कपड़े का आपको वो क्या होता है सैंपल यानी हाँ उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसी ही चीज़ें क्या हैं छोटा सा पार्ट होता है वैसे रिपीटेड होता है यानी रिपीटेड बहुत लंबी चेन होती है किसी चीज़ की वैसे ही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फार्मूला मास का मतलब एक हम मिनिमम नंबर जो हुआ यानी एक एन ए प्लस और एक सी एल माइनस ले लिया ऐसे ही कई सारे एन ए प्लस और सी एल माइनस अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं ओके okay? तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मूला मास एन ए सी एल और एन ए सी एल का मतलब सिर्फ उसमें एक एन ए और एक सी एल नहीं है ओके स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर तो आपको अभी तक जितना बताया गया वो आप याद रखिएगा और उसे प्रैक्टिस करिएगा कॉपी में बहुत कुछ इसमें आपका पढ़ा हुआ है पहले से नाइन्थ क्लास का रिवाइज़ किया करिए इट इज़ गुड फॉर यू कि आप रिवाइज भी कर रहे हैं पुरानी चीज़ें भी आपको बेसिक चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है ओके थैंक यू